सुनो, ये टमाटर भी चॉप करो फटाफट। पर सर, ये टमाटर तो सारे सड़े हुए हैं। आज तुम्हारा पहला दिन है ना, तो जितना कहा जाए केवल उतना ही करो। पर सर, अगर ये टमाटर अगर हम सर्व करेंगे तो कस्टमर की तबीयत खराब हो सकती है। ये ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, जितना कहा जाए उतना करो। चॉप करो। ये वापस कैसे आ गया? सब वेटर डिश को वापस लेकर आया है। कहता है कि कस्टमर को बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है इसमें से। खामा खा के चोचले हैं इनके। मैं पिछले 12 सालों से डिश बना रहा हूँ। सर, आप पीक पर देखिए तो सही, मुझे भी इसमें से स्मेल आ रही है। कितनी बार बोला कि अपना दिमाग मत चलाया करो। क्यों चलाती हो दिमाग अपना? अब एक काम करो, इसको 10 मिनट यहीं छोड़ दो, इसके बाद गार्निश करके गर्म करके कस्टमर को खाना देकर के आओ। सर, अरे जाइए। हो गया? यस सर। अभी कहाँ हुआ है? अब हो गया। सर, ये एक्स्ट्रा फूड कलर क्यों ऐड किया आपने? तो अब तुम मुझे बताओगी कि क्या और कितना डालना है? सर, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस एक्स्ट्रा फूड कलर को ऐड करने से फूड पॉइजनिंग हो जाएगा या कस्टमर को अल्सर भी हो सकता है। सर, एकदम चुप। ये नसें ऐंठ गई हैं खाना बनाते बनाते। और सुनो, जो दिखता है ना वही बिकता है। और ये इसको डालने से देखो कितना बढ़िया कलर हो गया, लाल एकदम। तो चुपचाप अपना मुंह बंद करो और ये कस्टमर को देकर क्या। सब कुछ भी हो जाए, मैं कस्टमर को ये खाना तो सर्व नहीं कर सकती। अच्छा, नहीं सर्व कर सकती? तो चुपचाप मेरा रेस्टोरेंट खाली करो। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, असल में आज लंच पे फूड इंस्पेक्टर आने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि आप अपने सारे फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें। सर, आप टेंशन मत लीजिए, आज का खाना याद रखेंगे इंस्पेक्टर साहब। आप जाके अपने सारे अरेंजमेंट कर लो एंड मेक श्योर खाना टेस्टी हो। डन सर। हेलो सर, सर आपको हमारा खाना अच्छा लगा होगा? आज तो ठीक है, पहले जैसा नहीं है। पहले जैसा नहीं का मतलब सर? देखिए, आपके रेस्टोरेंट की हमें काफ़ी कंप्लेंट्स आई हैं और हमें पता है कि आप यहाँ पे अनहेल्दी खाना सर्व करते हैं। सर, ऐसी कोई बात नहीं है, पता नहीं कौन हमारे रेस्टोरेंट का नाम ख़राब करना चाहता है सर। अच्छा, ठीक है, तो एक इंसान को बुलाता हूँ, शायद वो ज़्यादा बेहतर बता पाए। ऐसी भी क्या बात हो गई सर, बात कर लेते हैं सर। सर प्लीज़ सर। या जस्ट कम इन। सर प्लीज़ सर, हम तो अच्छा खाना सर। तुम यहाँ कैसे? आपके रेस्टोरेंट की बहुत कंप्लेंट आ रही है, इसकी वजह से सर ने मुझे यहाँ पे स्पाई बना के भेजा। सर सर सर, गलती हो गई मैम, पहचान नहीं पाया सर। एक्चुअली मैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैम। सर सर प्लीज़ सर 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 प्लीज़। इनके जो सैंपल्स आपने कलेक्ट किए हैं उसके बेसिस पे इनका लाइसेंस कैंसिल की। सर प्लीज़ सर, ऐसा मत कीजिए सर। सर एक मिनट सर, सर सर मैम सर सर एक्सक्यूज मी सर, प्लीज़ सर सर एक मिनट सर सर सर, मेरी वजह से रेस्टोरेंट मत बंद कीजिए सर, प्लीज़ सर। ये सब आप लोगों को पहले सोचना चाहिए था। सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर। ए यार, बच्चों की बात अगर आप कर रहे हो तो आपको खुद सोचना चाहिए ना, ये खाना क्या आप अपने बच्चों को खिलाओगे? सर एकदम गलती हो गई सर। दरअसल मतलब सर, थोड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए सर हम ये कर रहे थे, लेकिन सर अब समझ में आ गया कि सबसे ज़्यादा मतलब हेल्थ इम्पॉर्टेंट है सर। देखिए, केस आद्या का है और जो भी डिसीजन वो लेना चाहेंगे आई एम फाइन विद इट।
यू टेक केयर ऑफ इट मैम. प्लीज मैम, सो सॉरी मैम, गलती हो गई मैम, प्लीज माफ कर मैम. प्लीज मैम, प्लीज रेस्टोरेंट मत बंद करिए मैम, मेरा बहुत लॉस हो जाए. ठीक है, इस बार तो आपको फाइन देके छोड़ रहे हैं, मगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो आपका रेस्टोरेंट बंद भी हो सकता है. और हाँ, खाना जीवन देने के लिए होता है, ना कि मौत. जाइए जाइए. Providing food is considered as an act of God. It's high time to keep it away from corruption and adulteration. That's it for this story. See you next week. Khuda Hafiz and stay positive. If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.